नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी आप लोगों के समक्ष एमसीएन फेसबुक पेज लाइव में आज आप लोगों के समक्ष आया हूँ। आओ गांव का विकास करें एपिसोड 2 लेकर। हमने कहा था कि ये जो एपिसोड होगा इसमें हम हर प्रकार के जो है लोगों को लेंगे, चाहे वो महिला मंडल से जुड़े हो, चाहे वो आंगनवाड़ी से जुड़े हो, या फिर किसी युवा क्लब से जुड़े हो, या फिर हमारे देव समाज के भी होंगे तो देव समाज के जुड़े हो, मतलब हर प्रकार के चीजों को लेकर हम इस एपिसोड में चलेंगे और जानेंगे कि हमारे लोग हर 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 समाज में जुड़ के क्या क्या अपना योगदान दे रहे हैं। आज हमारे बीच ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो आयुष जो फार्मासिस्ट का जो एक संस्था है, एनजीओ है, उनके जो चीफ है हमारे सूरज नेगी जी, जो जो हिमाचल प्रदेश आयुष कर्मचारी के महासंघ के अध्यक्ष भी है। तो उन अध्यक्ष की जिम्मेदारियां क्या क्या रहती है ये भी हम जानेंगे। हमारे बीच बैठे हैं और आयुष अधिकारी सोलन के कार्यालय में ये जिला स्टोर कीपर के पद पर कार्य करते हैं, तो ये जिला स्तर पर किस प्रकार का ये काम करते हैं हम जानेंगे, क्योंकि ये चीफ आयुष फार्मासिस्ट के पद पर भी तैनात है। ये सभी चीजों को हम जानेंगे और आयुष से संबंधित जो भी चीजें हमारे लिए जो एक क्या मतलब है आयुष का और किस प्रकार के इसमें फार्मेसी तैयार होती है, ये चीजें भी जानेंगे। और जो सामाजिक चीजें हमारी गतिविधियां जो किन्नौर के अंदर में, इस बारे में भी जानेंगे। और साथ कर जब ये कर्मचारी महासंघ, आयुष कर्मचारी महासंघ के नेता है, तो हम एनपीएस और ओपीएस के बारे में भी जानेंगे, न्यू पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम क्या क्या है। तो हमारे बीच बैठे अतिथि महोदय सूरज नेगी जी, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार महोदय जी, आपका एमसीएन फेसबुक पेज लाइव में आपका स्वागत है महोदय। नमस्कार रामत भाई जी। सबसे पहले तो मैं टीम एमसीएन का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिला किन्नौर जैसे जनजातीय क्षेत्र में आपने एक बहुत खूबसूरत मंच प्रदान किया है, जिसमें सभी प्रकार के, चाहे वो किसी संस्था से जुड़े हो या कर्मचारी की संगठन से जुड़े हो, उनको एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं, जिसके लिए मैं टीम एमसीएन का हार्दिक आभारी हूँ और उनको बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए समय निकाला और किन्नौर के लिए समय निकाला। आपका व्यवस्था एक व्यस्त होकर भी आप, जबकि आप गांव में आए हो, फिर भी एक आजकल बागीचों का भी माहौल है और फिर इलेक्शन का भी माहौल है, ऐसे बीच में आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बैठे हैं आयुष कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष जो है आदरणीय सूरज नेगी जी, और जो चीफ आयुष जो है चीफ है आयुष फार्मासिस्ट के पद पर भी ये सोलन में तैनात है, और आयुष अधिकारी सोलन के कार्यालय में जिला स्टोर कीपर के पद पर भी कार्यरत है कि जिला में क्या क्या चीजें ये देखते हैं और आयुष का जो संस्था है इसमें क्या क्या काम होता है, इन चीजों के बारे में बारीकी जानेंगे। क्योंकि हम ये नहीं जानते कि कई बार कि हमारा जो परिवार बाहर जाता है तो क्या करता है, या फिर क्या हमारे लिए योगदान कर रहा है और कैसे हमारे लिए योगदान कर रहा है। आदमी अगर कहीं भी हो, कहीं ना कहीं वो अपने किन्नौर से जुड़ा रहता है और अपने जिले के लिए, अपने हिमाचल के लिए काम कर रहा होता है। महोदय जी, तो आप थोड़ा सा हमारे जो आयुष के बारे में, जो आपका आयुष संस्था है ये गैर सरकारी या सरकारी, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। जरूर सर, मैं सबसे पहले आप सबको ये बता दूं कि आयुष जो है एक बहुत ही प्राचीन पद्धति है, जिसे पहले आयुर्वेद के नाम से जाना जाता था, परंतु अभी कुछ दिन या हफ्ता पहले ही प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इसे आयुर्वेद से आयुष विभाग बनाया गया है, जो कि पहले आयुर्वेद के नाम से जाना जाता था। जी आयुर्वेद, जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो सृष्टि के रचयिता है ब्रह्मा जी,
उनके जी द्वारा उत्पत्ति हुई है और उत्तरोत्तर आगे आते आते ये एक बहुत बड़ी पैथी के रूप में विकसित हुई, जिसके हम जनक जो है धन्वंतरी जी के नाम से भी जाने जाते हैं। इस आयुर्वेदा में हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, और जरूरी नहीं कि हम बीमार होने के बाद ही आयुर्वेद का प्रयोग करें। आयुर्वेद जो है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने वातावरण से, अपने आसपास से, हमारे को जो भी वस्तुएं मिलती है, जड़ी बूटी मिलती है, उनको हम किस प्रकार से अपने दैनिक प्रयोग के काम में लाएं, इस बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान देता है, जो कि एक बहुत लंबी एक पैथी है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। मैं इस पे ज़्यादा विस्तार से नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि यह विषय एक विशेषज्ञ से जुड़ा हुआ है। पर मैं मोटे तौर पर ये कह सकता हूँ कि आयुर्वेद जो है 5 तत्वों से बना है, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और ये पृथ्वी, इन सब से मिलकर बना है, जिसे हम पंच महाभूत के नाम से भी जानते हैं। तो इस आयुर्वेद में हम वात, पित्त और कफ, जिसे त्रिदोष की संज्ञा दी गई है, त्रिदोष के नाम से जाना जाता है, हम इसमें आयुष में इसकी जो है चिकित्सा करते हैं। तो एक संक्षिप्त आपको परिभाषा आयुष का दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने कहा कि चिकित्सा करते हैं, तो क्या ये चिकित्सा ये जो सोलन में है और ये जो चिकित्सा जो आपका लेबल है, तो कौन कौन सी बीमारियों तक का वहाँ पर आपका जो संस्था में लेबल है सर, कि किस किस बीमारियों का आयुष के द्वारा वहाँ पर इलाज किया जाता है? महोदय, वैसे तो आयुर्वेद के द्वारा, आयुष के द्वारा लगभग सभी बीमारियों का आजकल उपचार किया जाता है। आजकल मॉडर्न साइंस के साथ मिलकर आयुर्वेद ने काफ़ी ख्याति प्राप्त की है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी कोविड काल में आयुर्वेदा ही एक ऐसी पद्धति रही है जिसने विश्व भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, और आयुर्वेद ही एक ऐसी पद्धति रही जिसमें लोगों को काफ़ी लोगों में काफ़ी विश्वास जागृत हुई। और जैसे आप जानते हैं कि कोरोना काल में एक आयुष काढ़ा के नाम से एक दवाई आई थी जिसको काफ़ी डिमांड रही है, और एक इसके साथ साथ आपका होम्योपैथी का आर्सेनिक एल्बम के रूप में भी एक मेडिसिन का चलन हुआ है, जो आयुष मंत्रालय द्वारा स्वीकृत करके पूरे देश में उपलब्ध करवाया गया। और जहां मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं जिला सोलन में, जिला सोलन एक आयुर्वेदिक जिला अस्पताल है जहां पर हर प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। साथ ही साथ यहां पर जो है आयुर्वेद के मेन जो है चिकित्सा क्रम, जिसमें शल्य कर्म वगैरह भी है, वो भी हमारे यहाँ पे किए जाते हैं, और जैसे फिसुला वगैरह हैं इनके ऑपरेशन भी होते हैं यहाँ सोलन में। और आपने वो सुना होगा एक बहुत ही एक प्रसिद्ध पद्धति है जहाँ पे, जिसको अभी मैं हम अपने शरीर का संशोधन करते हैं जिसके द्वारा, तो वो भी हमारे सोलन हॉस्पिटल में जारी है, परंतु कोविड के कारण आजकल कुछ सेवाएं ये जो है हम जारी नहीं कर पा रहे हैं। और मेरा क्षेत्र जिला सोलन में आयुर्वेद कार्यालय में रहते हुए जिला सोलन के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे वो आयुष स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनमें सभी प्रकार के जो प्रदेश सत्र के प्रदेश सरकार जो हमारे को दवाइयाँ उपलब्ध सिग्नल की थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है। शायद सिग्नल के कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ हाँ जी जी बोलिए सर। तो
तो ये सब सारी सरकारें जो जो प्रदेश सरकार मुहैया करवाती है जनहित के, उसको हम जनहित में लाने के लिए एक बस थोड़ा सा मैं एक साधक के रूप में वहाँ पे मौजूद हूँ। जी, बहुत बेहतर। सर थोड़ा सा, चलिए, आप चिकित्सक से तो जुड़े नहीं होंगे, फिर जर्नली फिर भी आपको ये तो पता होगा, लोग भ्रमित ही रहते हैं कि आयुर्वेदिक में क्या बोलते हैं, इलाज जो है बहुत लेट होता है और असर नहीं होता है, तो हम लोग ज्यादातर एलोपैथिक की ओर जाते हैं। आप थोड़ा सा संशय दूर करेंगे कि क्या ये गलत धारणा है या ये हकीकत है कि इसमें टाइम लगता है? सर, इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल के परिवेश में जहाँ लोगों के पास समय की बहुत कमी है, तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि भी यार मैं मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैं एक झटपट से मुझे एक कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए जिसे मैं खाकर तुरंत ठीक हो जाऊँगा। परंतु मेरा अपना एक निजी मानना है कि जैसे हम हमारे मॉडर्न औषधि हम यूज करते हैं, उससे हमारे को तुरंत रिलीफ तो मिल जाती है, परंतु उस और मॉडर्न औषधि के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इस कारण हम यदि अपने आप को सही ढंग से स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो मेरा तो यही सुझाव है कि मैं हमें अब आयुर्वेद की ओर ध्यान देना चाहिए, ये कि आयुर्वेद के सही औषधियों का चरण हो और सही डॉक्टर के का आपको मार्गदर्शन मिले। तो आयुर्वेद बहुत ही अच्छी पद्धति है जिसमें बहुत ही असाध्य रोग से तात्पर्य मेरा कि जो ठीक ना हो उन रोगों का भी उपचार किया जा सकता है, उन रोगों का भी उपचार संभव है। जैसे कि हमारे अध्यक्ष जो है आयुष के, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जो है आयु आयु जो आयुर्वेद का जो है दवाई जो है, अब हम जो हमारे पास समय नहीं होने से तो हम लोग ज़्यादातर हम एलोपैथिक की ओर जुड़ रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। लेकिन कोरोना काल में हम अगर आज बिल्कुल सही रहे तो हम अपने आयुर्वेद आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार ही रहे, क्योंकि जो नुस्खा था हमारा जैसे कोरोना में, कि काढ़ा आदि पीकर और गर्म जैसे नमकीन चाय आदि काफ़ी चीज़ों का हमने कोरोना काल में यूज किया है, तो ये आयुर्वेद आयुर्वेद पद्धति, चाहे वो घरेलू हो, घरेलू में भी हमारे जो दादी दादा के नुस्खे हुए थे या पूर्वजों के नुस्खे हुए थे, वही पूर्वज उन्हीं नुस्खों से हम आज कोरोना से जो है थोड़ा बचे रहे। तो ये आयुर्वेद का ही बहुत प्राचीन पद्धति है जो हम लोग जो है इसको आगे आगे लेकर जा रही है, और सरकार भी इसमें प्राथमिकता दे रही है। हाँ, समय के अभाव के कारण जो है हम लोग एलोपैथ की ओर जुड़ रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। सर, आपने इसमें एक चीज ये कहा कि आपका जिला स्टोर कीपर का एक कार्यभार भी है, तो इसमें आप किस प्रकार का काम देखते हैं सर? क्या क्या आप जिला पर आप इसमें आप आपका योजना है या फिर क्या कार्यभार रहता है सर? सर, इसमें मैं एक जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा से एक प्रत्येक विभाग में स्थापित अपने एक पद पर मैं बैठा हूँ, एक जो कि स्टोर कीपर के रूप में जाना जाता है, जो कि हर एक जिला में एक है। तो मैं भी उसी पद पर जिला सोलन में अपना कार्य कर रहा हूँ या जनहित में अपना कार्य प्रदान कर रहा हूँ। मेरा वहाँ पर मेन कार्य होता है जैसे कि हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में दूरदराज क्षेत्रों के लोगों के लिए, रोगियों के लिए उपलब्ध की जा रही दवाइयों को उनके समक्ष पहुंचाना, उस स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाना, और विभिन्न प्रकार के जैसे योजनाएं हैं उसके बारे में अवगत कराना, और जहां जिस प्रकार की जैसे स्वास्थ्य केंद्र में जैसे फर्नीचर आदि है या कोई मूलभूत सुविधाएं जैसे आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराना, जिसमें एक स्टोर कीपर की एक महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, उसको मैं पूरी करने में अपनी सेवाएं प्रदान करता हूँ। जी, इसको आप ये धन्यवाद, कह बहुत सकते हैं धन्यवाद। कि सरकार जो मूलभूत सुविधाएं एक स्वास्थ्य केंद्र में देना चाहती है, पहुंचाना चाहती है, वो मैं जिला सोलन में मैं अपने द्वारा जो है उस कार्य को निष्पादन करता हूँ। जी, ये जो आयुष का जो और आपका जो
आयुष का जो आपका आयुर्वेदिक का जो संस्था है सर, तो ये जो सोलन से ही पूरा हिमाचल का है कि ये सिर्फ सोलन का ही देखता है सर? सर इसमें जैसे 12 जिलों में हर एक जिले में एक ये आयुष अधिकारी बैठा होता है, जिनके ऊपर आयुष निदेशक हैं, उसके नीचे जॉइंट डायरेक्टर होते हैं, इस तरह के बहुत सारे पद होते हैं। और प्रत्येक जिला में जो 12 जिलों में 12 आयुष अधिकारी होते हैं, और हर एक जिला में अलग अलग स्टोर कीपर होते हैं, और प्रत्येक जिला में वही स्टोर कीपर के माध्यम से सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ये सुविधाएं उपलब्ध की जाती है। मैं एक वो मेरे रह गया था, जैसे जी मैं सोलन जिला में कार्यरत हूँ, तो सोलन जिला में हमारा एक जो जिला स्तर का अस्पताल है, जिसमें एक आयुर्वेद क्रम है जिसे कि आप पंचकर्मा के रूप में जानते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, और बहुत सारे लोग इसका लाभ उठाते हैं। इस क्रम के द्वारा हम अपने शरीर की शुद्धि करवाते हैं 5 कर्मों के द्वारा। तो ये सुविधा भी हिमाचल प्रदेश सरकार जो है आपको सोलन अस्पताल में, और जिला शिमला के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल जिसे अब आयुष हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर भी ये सेवाएं प्रदान की जा रही है। जी धन्यवाद। आपके लिए एक सवाल आया है हमारे जगत सिंह नेगी का, जो हिमाचल जो किन्नौर जिला के जो अराजपत्रित महासंघ के जो है नेताजी है, इनका सवाल है कि सर यू आर ए वेरी पुशिंग एनजीओ लीडर, काइंडली डू समथिंग टू रिपोर्मिंग रिपोर्निंग द रिमूविंग योर द डिपार्टमेंट आई आयुष इंस्टीट्यूट स्टेबल एट विलेज बरी एट निगमसरी, डू यू तो समथिंग सर इसके सबसे इसके पहले तो मैं अपने जगत सिंह रतन जी को बारे में? अपना प्रणाम कहता हूँ। जी ये जगत सिंह जी, जब मैं किन्नौर में होता था तो मैं जब रिकांगपियो में अपनी सेवाएं देता था, तो मैं किन्नौर के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से भी जुड़ा था। तो ये जी मेरे उस टाइम अराजपत्रित महासंघ के अध्यक्ष रहा करते थे, और मैं उनका महामंत्री होता था। तो जी इस विषय में यह कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आयुर्वेद विभाग अपना सेवाएं दे रहा है जनहित में, उसी तरह जिला किन्नौर में भी आयुर्वेद विभाग अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा था, परंतु किन्हीं कारणों से तत्कालीन गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे जो है 15 डिस्पेंसरियाँ थी जिसे बंद कर दिया गया था, जिनमें से बरी जो जगत सिंह नेगी जी ने अभी अभी एक मुझे प्रश्न जी किया है, उसमें बरी भी एक शामिल था जिसे गवर्नमेंट ने बंद किया है। और विश्व सूत्रों से मुझे पता चला है कि बरी को अभी दोबारा भी प्रदेश सरकार जो है खोलने की तैयारी करती है कर रही है, और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी वो स्वास्थ्य केंद्र भी शायद खुल जाए। निगुल सरी का भी बताया सर इन्होंने। सर ये निगुलसरी में एक्चुअल हमारी एक सब डिविजनल लेवल का जो अधिकारी बैठा करता था, उपमंडलीय आयुष अधिकारी, जिसका कार्यालय हमारे निगुलसरी में हुआ करता था, परंतु इसको भी किसी प्रशासनिक कार्यवश से इसको स्थानांतरित करके आपके काफनों में स्थापित किया गया है। तो इस विषय में मैं ज़्यादा कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसमें प्रशासन का सीधा वो जी दखल रहता है। और रही बात वहाँ के, अगर जनता को लगता है कि महसूस होता है कि यहाँ पर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, तो वो अपने सरकार से उनकी डिमांड कर सकते हैं। वैसे भी वहाँ पर आयुष कार्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद है। अच्छा सर, थोड़ा सा हमें ये बताएंगे, सरकार कोई भी आती है जाती है तो ये जो फेरबदल, जब जब स्ट्रक्चर हमारा इतना अच्छा बिल्डिंग बना हुआ है और सारी चीज़ें सुविधाएं होती है और आपने पहले ही वहाँ आयुर्वेदिक की चीज़ें खोली होती है, फिर उसको अचानक ही फिर उठा देते हैं और बंद करा देते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आती होगी सर? थोड़ा सा आप अपनी एक सामाजिक चीज़ों को लेकर बताएं। जहाँ तक मेरी समझ है कि हिमाचल प्रदेश में प्राय देखने में आया है कि आयुर्वेद विभाग को जब जब जरूरत होती है, आम जनहित में सेवाएं देना होता है, तो दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए खोल दिया जाता है, परंतु जैसे जैसे उस क्षेत्र का विकास होता है, डेवलपमेंट होती है, तो लोग वहाँ पर
मॉडर्न चिकित्सालय की डिमांड करते हैं, जिसके थ्रू जब वहां पर उनको डिमांड पूरी की जाती है प्रदेश सरकार द्वारा, तो आयुष विभाग को जो है कि थोड़ा नेगलेक्ट करके उनको थोड़ा या कहीं पर शिफ्ट कर दिया जाता है या कहीं ऊपर नीचे वो किया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। आयुष विभाग एक बहुत से पुरानी पद्धति है, जिसके बहुत सारी खूबियां भी है, जो कि जनता में चाहे आप आयुर्वेद की तरफ से लो या कि मॉडर्न की तरफ से, दोनों ही सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए। सर, मेरा एक अनुभव रहा है कि आज तक के किसी भी सरकार ने आयुर्वेद पर एक खुलकर प्रचार नहीं किया है। ना पंचायत लेवल पर का इसका प्रचार हुआ है, ना ब्लॉक स्तर पर, ना जिला स्तर पर, मैंने कभी नहीं देखा। और हालांकि बड़े बड़े मेले होते हैं, चाहे ये आपका पीओ मेला होगा, अभी सरकार ने एक जन जन जनमंच भी लगाए थे, बहुत सारे जनमंच पे बहुत सारे प्रदर्शनियां भी लगती थी। शायद मैंने वहां भी आयुर्वेद के कोई बहुत ज्यादा कम ज्यादा देखे, बहुत कम चांस देखे आयुर्वेद का, जो इतना प्रचार किया नहीं। कारण क्या है इस पर, कि सरकार की मंशा भी नहीं है कि आयुर्वेद को ज्यादा प्रचार हो, या फिर सरकार का ध्यान नहीं रहता होगा? सर मैं इस बात से वैसे इतना आपसे सहमत भी नहीं हूँ, क्योंकि जैसे जिला किन्नौर में आयुर्वेद विभाग है, तो अपनी सेवाओं को जनता में पहुंचाने के लिए सारे प्रयास करते रहते हैं। जैसे अब समय समय पर ये जिला के दूर दराज क्षेत्रों में अपने फ्री कैंप्स लगाते हैं और लोगों को सुविधाएं प्रदान करते हैं, और उसके पश्चात जैसे रेड क्रॉस मेले होते हैं रिकांगपियो में, तो उसमें भी हमारे कैंप्स लगते हैं। पश्चात जो लवी है, जो किन्नौर का एक प्रसिद्ध जो मेला आता है हमारे जो नवंबर महीने में, इसमें इस साल तो ये हो नहीं पाया, तो उसमें भी इसमें कैंप्स लगते हैं 3-4 दिन के, बहुत सारी प्रदर्शनियाँ रखी होती है। हाँ इतना ज़रूर है कि आयुर्वेद पर इतना ध्यान दिया नहीं गया, तो इस वजह से थोड़ा आयुर्वेद अभी किन्नौर में थोड़ा पीछे है, परंतु धीरे धीरे लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है इस पैथी के ऊपर, तो मुझे लगता भी सरकार इस पर ध्यान भी दे रही है और आगे से इस पर बहुत सारे शोध भी हो सकते हैं, और आधुनिक विज्ञान के साथ मिलकर जो आयुर्वेद की जो सेवाएं हैं जनहित में सरकार प्रदान कर सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़े हैं आयुष के चीफ जो है आदरणीय सूरज नेगी जी, जो कल्पा से हैं और सोलन में कार्य करते हैं, और साथ ही आयुष जो कर्मचारी महासंघ के ये अध्यक्ष भी हैं। हम काफ़ी चीज़ों को जानेंगे, तो जितने भी हमारे दर्शक एम चैन पेज से जुड़े हैं, मैं उनको यही रोज़ कहता हूँ कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है प्रतिक्रिया भी दें। आपकी प्रतिक्रिया, आपके जो अपनी समझ होगी, ताकि हम यहाँ पर जो हमारे अतिथि होंगे उनसे हम सवाल जवाब करेंगे। और हमारा पेज का यही उद्देश्य है, चाहे इसमें मैंने ये भी कहा कि किसी भी संघ से जुड़ा हुआ राजनीतिक दल हो, या फिर पंचायती नुमाइंदे हो, या फिर हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हो, या फिर महिला मंडल युवक मंडल हो, सबके लिए ये मंच बना है। आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं सामाजिक मुद्दों के लिए और हमारे किन्नौर को खुशहाल बनाने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हैं माननीय हमारे सूरज नेगी जी, तो और ज़्यादा हम इनसे पूछेंगे। महोदय जी, आप बेसिकली आप जी प्रॉपरली कल्पा से ही हो ना सर? जी मैं कल्पा जो चीनी नाम से जाना जाता, चीनी गांव के नाम से जाना जाता था, वहां का मैं स्थायी निवासी हूँ। जी मैंने अपनी सेवाएं जो है रिकांगपियो में 10-12 साल दी है, उसके बाद मेरे सेवाएं जिला सिरमौर के लिए प्रदेश सरकार ने तय की थी, उसके पश्चात मैं 3 वर्ष का कार्यकाल अपना जिला सिरमौर में देने के पश्चात मैं अभी सोलन में स्थानांतरित हुआ हूँ, जहाँ मेरा जी अभी ये तीसरा तीसरा वर्ष शुरू हुआ है, या जी तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका हूँ यहाँ पे जिला सोलन में। जी तो आपने कहा था सर कि सर आयुष जो है संस्था जो है कैंप भी लगाते हैं, तो
तो ये सालाना कैंप क्या मासिक कैंप लगाते हैं या फिर सालाना कैंप होता है या फिर किसी एक दिन में साल का एक कोई एकाध कैंप ही लगता है? सर, ये जो आयुष विभाग जो कैंप लगाते हैं, इनमें कई कैंप तो जैसे फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला के विभिन्न क्षेत्रों में जो है जनता के डिमांड पर भी लगाए जाते हैं, और विभाग खुद भी अपने स्तर पर लगाती है। इसमें कोई ये निश्चित नहीं है कि हमने एक कैंप करना है, दो कैंप करना है। जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता होती है, विभाग वहाँ वहाँ कैंप लगा सकती है। और वैसे भी कोरोना के कारण इस बार कैंप्स की गतिविधियां वैसे भी बंद है, फिर भी आयुर्वेद विभाग ने इस कोरोना काल में भी अपनी सेवाएं जनहित में लगातार जारी रखी है, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव जनता में पड़ा है और जनता भी इसको काफी विश्वास के साथ ले रही है। आपके लिए मैं एक कविता सुनाऊंगा सर, क्योंकि जी हर मंच में मैं एक कविता सुनाता हूँ, उसके बाद हम इसी से आगे निकलेंगे। इसी में के जी बीच में एक सवाल जवाब होगा। अब सर, कैसा देश का नेता है, ये किसी एक पर्टिकुलरली एक नेता पर नहीं है, पूरे पूरे हमारे इंडिया के देश के नेताओं के पर ही एक छोटी सी रचना है। नेता आते जाते हैं, लेकिन हमारा तो काम है लिखना सर। जिस प्रकार से आपने एक आयुर्वेदिक के द्वारा लोगों को आपने बचाना है, और हमारा लेखनी के द्वारा हमारे समाज को थोड़ा मैसेज देना होता है सर, इसमें जी थोड़ी बहुत सी खूब रचना है। जी कैसा देश का नेता है, कैसा देश का नेता है, वोट गरीबों का लेकर खजाना अपना भरता है, योजनाओं गरीबों की बहुत वो बनाता है, और गरीबों को दौड़ा दौड़ा कर योजना का वो लाभ देता है। मैं छोटी सी इसमें बता रहा हूँ कि कैसा देश का नेता है, वोट गरीबों को लेकर खजाना अपना भरता है, योजनाएं गरीबों की बहुत वो बनाता है, और गरीबों को दौड़ा दौड़ा कर योजनाओं का लाभ वह देता है। कहने का मतलब, बहुत सारी योजना आती है, लेकिन उसके लिए हमारे को पंचायत में, ब्लॉक स्तर में ये इतना दौड़ भाग करना पड़ता है, काफी मशक्कत के बाद हमारे को उस योजनाओं का लाभ मिलता है। फिर आगे जी सर, भ्रष्ट है ये नेता सारे, भ्रष्ट अब राजतंत्र है। मेरा कहने का मतलब, सारे नेता भ्रष्ट नहीं है, लेकिन कईयों की मंशा होती है। आप यूपी जैसे कई ऐसे बड़े बड़े स्टेट है जहां पर इस प्रकार के नेता रहते हैं। भ्रष्ट है ये नेता सारे, भ्रष्ट अब राजतंत्र है, सिस्टम का भी हालत अब राजनेताओं के तंत्र में है। अब जी सिस्टम भी सर आज के टाइम में बगैर राजनेताओं के तंत्र से नहीं चलता सर। आप हम काफी जितने भी है, छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी अब सर नेताओं के अधीन हो गए सर। अब आगे है सर, जी आटा चावल और नमक तेल, आटा चावल नमक तेल था कभी चवन्नी का खेल, पेट भर कर खाता था तब गरीब दो वक्त का खाना। आटा चावल और नमक तेल था कभी चवन्नी का खेल, पेट भर कर खाता था तब गरीब दो वक्त का खाना। महंगाई ने ऐसी कमर तोड़ रखी है, हाँ महंगाई ने ऐसी कमर तोड़ रखी है, गरीब अब दो वक्त की रोटी के लिए रखता है पेट खाली। गरीब अब दो वक्त की रोटी बहुत के खूब लिए बहुत खूब रखता है अब पेट खाली। आगे है, अच्छे दिन देखते देखते, आगे है, अच्छे दिन देखते देखते, नेताओं के अच्छे दिन हमने देखे हैं, बहुत सारे अच्छे दिन देखे हैं। अच्छे दिन देखते देखते, नेताओं के अच्छे दिन हमने देखे हैं, उनकी तनख्वाह और पेंशन पर, हाँ उनकी तनख्वाह और पेंशन पर सभी दल एक होते हैं, हाँ सभी दल एक होते हैं। कर्मचारियों को देकर एनपीएस, हाँ कर्मचारियों को देकर एनपीएस, नेताओं के भाग्य चमके हैं, नेताओं के ये भाग्य चमके हैं। अब थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे सर, आप कर्मचारी महासंघ आयुष के जो है अध्यक्ष भी हो, आपको कर्मचारियों के लिए कई चीजें, आप सरकार के पास जाना पड़ता होगा और आप लड़ते होंगे छोटी छोटी मुद्दों को लेकर। अभी हाल ही में सर डीए का काफी लोगों का कटा था, क्या आपको थोड़ा सा अनुभव होगा कि ये डीए क्यों कटा होगा? सर, जहाँ तक पहले तो मैं आपके सुंदर रचना के लिए आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला किन्नौर धन्यवाद सर। में आपने एक अपने कविता के द्वारा जनहित में एक विशेष प्रभाव छोड़ा है,
और जो अपनी कविताओं में जो आप व्यंग के थ्रू एक क्रांति का एक प्रसार कर रहे हैं, जिससे लोगों में काफी एक जी सर, जी सर, समाज में फैली अपनी कुरीतियों को हर एक प्रकार से उसको पहले दूसरे और अन्य उसके लिए एक बल मिलता है, एक साहस मिलता है, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत और आपके सहयोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिला किन्नौर के जैसे जनजाति क्षेत्र में आप सब एक प्रतिभाशाली कवियों का जन्म हुआ है, जिसके जो आप लोग यहाँ पर बहुत सारी वो लोगों में जागृति ला रहे हैं। धन्यवाद सर। उसके बाद आपका प्रश्न था डीए के बारे में, तो जैसे कोरोना काल आया तो यहाँ पे डीए कटा नहीं है, ये फिलहाल फ्रीज किया गया है। जैसे जैसे आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश जो है एक छोटा सा राज्य है, अपनी जो अच्छी नहीं होती है, जिसके लिए आर्थिक स्थिति को सही रखने के लिए और कोरोना काल में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही, जनता को प्रदान की जा रही सेवाओं के को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को दिया गया है, तो काटा नहीं है। हो सकता है कुछ टाइम जब नॉर्मल जी, आपकी थोड़ी सी सिग्नल दिक्कत आ रही है। आवाज आ रही सर मेरी आपकी? आ रही सर आवाज? जी सर, जी सर, हाँ, डीए के बारे में था। आपने बता दिया कि ये कटे नहीं है, सरकार की थोड़ी आर्थिक की जो कोरोना के कारण से हुआ था तो थोड़ा बाद में आ जाएगा। चलिए सर, हम इससे निकलते आगे आते सर। जो एनपीएस जो स्कीम आया हुआ है और ओपीएस स्कीम, जो दोनों के बीच में ये डिफरेंस क्या है सर, और क्या इससे जो लागू करने से कर्मचारियों को फायदा हुआ है या होने वाला है, तो थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे सर। क्योंकि नई पीढ़ी के लोग भी अब जो है आगे नौकरी के लिए हिचकिचा रहे हैं, वो का भविष्य नहीं है तो नौकरी किस लिए? सर ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जी तो 2003 से पहले जो प्रदेश के कर्मचारी थे उनको हिमाचल प्रदेश सरकार जो है ओल्ड पेंशन पद्धति के अनुसार अपने 30 से 33 34 35 साल की सेवा अवधि के दौरान जो भी कर्मचारी अपने विभाग से सेवानिवृत्त होते हैं उनको एक पेंशन प्रदान करती थी, परंतु केंद्र सरकार ने अपने एक एमओयू साइन करने के पश्चात 2003 में एक एनपीएस नामक योजना का आगाज किया, जो कि 2006 में हिमाचल प्रदेश में नोटिफाई हुआ और जिसे 2003 से लागू किया गया है। इसमें जीपीएफ, हालांकि 2006 तक जो है इन कर्मचारियों को जीपीएफ नंबर भी अलॉट हो गया था, परंतु नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद इसे 2003 से लागू किया गया और 2003 के बाद जो भी कर्मचारी विभाग में आए हैं उनको प्रदेश सरकार ने लिया है, तो उनको जो है एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तौर पर एक योजना लागू की गई,
पश्चात कुछ समय बाद इस योजना को भी सरकार ने बदलकर न्यू पेंशन स्कीम के नाम से एक नामांकन किया इसका। फिर उसके पश्चात भी एक बार और प्रदेश सरकार ने इसके नाम को फिर दोबारा नेशनल पेंशन स्कीम के नाम पे लागू किया है, जो कि आजकल चल रहा है। तो मुझे लगता है नहीं है कि अभी सरकार भी असमंजस में है कि इसे इस पर एग्जैक्ट क्या नाम रखा जाए। और वैसे भी ये एक कर्मचारी जो अपनी संपूर्ण युवावस्था सरकार को अपनी सेवा में देने के लिए अपना बेस्ट देता है, अपनी सारी ऊर्जाएं उस सरकारी कार्य के दौरान सरकार की योजनाओं को जनता में पहुंचाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा खपा देता है, उसको अपने 30 से 35 साल के 32 साल के मतलब जिनके उनके एज अनुसार जब तक कि वो 58 साल के ना होते हैं तब तक उस अपने खपा देता है, उसको जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उसके बाद उनको बुढ़ापे में अपनी परिवार को या अपने को सरवाइव करने के लिए बहुत ही एक मतलब कम एक पेंशन प्राप्त हो रही है, जो कि नाकाफी है, जिसको जिससे जो उस सेवानिवृत्त कर्मचारी का जो सामाजिक जीवन है और उसका आर्थिक जीवन है बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, जो कि मेरी नज़र में सही नहीं है। इतना समय जो हम एक विभाग में सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं तो यह उस कर्मचारी का हक बन जाता है कि जब वो सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्त होने के पश्चात उस कर्मचारी को उस अपने किए गए कार्य के बदले में उसके जो है आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को सही ढंग से यापन करने के लिए उसको एक उचित पेंशन के रूप में राशि मिलनी चाहिए। परंतु अभी आपने शायद सुना ही होगा कि 2003 से लेकर 2017 तक के बीच में जो भी कर्मचारी इसमें एनरोलमेंट हुए हैं न्यू पेंशन स्कीम में, उसमें DCRG के नाम पे एक ग्रेजुटी आती है जिसको डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी के नाम से जाना जाता है, वो प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जारी किया है, जिसके लिए हम प्रदेश सरकार का हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं। और उसके बाद हम प्रदेश सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो कि 2009 में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को डेथ या फिर जो भी केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है उनकी सेवा अवधि के दौरान या तो डेथ हो जाती है या फिर उनकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उनको डेथ कम डिसेबिलिटी पेंशन के रूप में कर्मचारी को प्रदान की रही है, एक पेंशन प्रदान की रही की जा रही है, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी तक हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को नहीं दिया है। जो हम प्रदेश सरकार से यही मांग करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी इस ग्रेजुटी को तुरंत जारी कर देनी चाहिए। और उसके पश्चात रही पेंशन की बात, तो पेंशन भी एक सेकंड अगर बाय दी भी ये ग्रेजुटी के बारे में अगर सरकार की मंशा नहीं होती है, नहीं देना है, तो आपकी जो जो है जो कर्मचारी महासंघ इस पर क्या करेंगे? आप सरकार के पास याचना लेकर जाएंगे या फिर सड़कों में या रोडों पर उतरेंगे या फिर हड़ताल करेंगे या फिर सरकार से निवेदन करेंगे? सर, इसके विषय में मैं अपना थोड़ा संक्षिप्त विचार रखना चाहूँगा। इस विषय में हमारी एक बैठक हुई थी केरला राज्य के तिरुवनंतपुरम में, जो कि 2019 में हुई थी, जिसमें मुझे भी हिमाचल प्रदेश से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था, जिसमें आपके और मेरे पूर्व कर्मचारी अध्यक्ष रहे श्री जगत सिंह नेगी जी भी शामिल थे। हमने तिरुवनंतपुरम में एक प्रस्ताव पास किया था भारतीय कर्मचारी संघ के बैनर तले, और
भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा था कि ये जो पेंशन है और ग्रेजुटी है, इस तरह के अन्य जो डिमांड्स है सारे कर्मचारियों को मिलने चाहिए। और इसी के क्रम में हमने हिमाचल प्रदेश में न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने अपनी एक अलग संगठन बनाया है, जो कि हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, जिसको पूरा अपना समर्थन देता है और उनके साथ मिलकर हर एक समय में उनको अपनी डिमांडों को मंगवाने के लिए सरकार के साथ सहयोग कर रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि जिला सोलन में 2019 में सांसदों के घेराव का एक कार्यक्रम हुआ था, सांसदों के आवास के बाहर एक धरना प्रदर्शन किया गया था, एक दिन का वहां पर उपवास रखा था, जिसमें मैं आयुर्वेद विभाग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक दिन मैंने भी वहां पे अपना धरना दिया था सांसदों के आवास के बाहर। और इसी क्रम में हमने जिला सोलन में प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक जिलों के जिलाधीश के कार्यालय के बाहर हमने धरना प्रदर्शन भी किया है, और आने वाले समय में भी अगर सरकार हमारी ये डिमांड नहीं मांगती है तो हम एनपीएस कर्मचारी महासंघ के साथ अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ मिलकर संयुक्त रूप से उनको पूरा समर्थन देते हुए सरकार के समक्ष अपनी डिमांड रखेंगे। और अगर सरकार इस डिमांड को नहीं मानती है तो हम सरकार के साथ दो दो हाथ करने में किसी भी तरह पीछे नहीं हटेंगे। ये हिमाचल प्रदेश का अराजपत्रित कर्मचारी हर एक प्लेटफॉर्म में कहता है और आगे भी करता रहेगा। आगे हम जानेंगे इन्हीं इन्हीं चीज़ों पर विषय बात करेंगे, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है और सोचने वाली बात है किस प्रकार से जो है नेता लोग जब अपना लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा में अपने जो है पेंशन और अपना जो तनख्वाह बढ़ाते हैं तो उसमें तो बड़े जोर जोर से तालियां बजाते हैं, लेकिन जब कर्मचारी 58 या 60 साल के बाद जब अपना पेंशन का एक होता है तो उसको उससे भी जो है बहुत वंचित रखा जाता है, कहने वाला बहुत कटौती की जाती है। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा अगर हमारे जो 130 अरब की आबादी में बहुत सारे लोग बेरोजगार भी और अब थोड़ा बहुत रोजगार मिल रहा है तो, लेकिन स्कीमों का जो है ये अलग बात है कि अब सरकार के पास वर्डन पड़ चुका है कि आबादी बढ़ रही है, रोजगार की समस्या आ रही है और वेतन की समस्या आ रही है, लेकिन इसमें सरकार को अपना भी लेना पड़ेगा, अपनी अपनी योजनाओं को कम करना पड़ना पड़ेगा, अपनी स्कीमों को भी कम करना पड़ेगा, अपने पेंशनों को भी कम करना पड़ेगा, अपने वेतन को भी करना करना पड़ेगा, समानता चीजें लानी पड़ेगी क्योंकि समानता जब तक नहीं आएगा तब तक जो है विकास नहीं होगा। तो ये चीजें सरकार को भी सोचना है और कर्मचारी तो अपने हक के लिए वो अगर नहीं मानते हैं तो वो जरूर मतलब सड़कों पर भी आ सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं, इसके लिए तैयार मतलब इसलिए कर्मचारी तैयार कभी भी हो सकते हैं, लेकिन विनम्र निवेदन से अगर अगर इच्छा शक्ति से अगर सरकार चाहे तो वो पुराने जो पेंशन स्कीम उसी को लागू कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो ना हो, लेकिन ये इच्छा शक्ति पर निर्भर होती है। लेकिन सर एक चीज बताएंगे आप, ये जो पुरानी स्कीम जो नई जो नया जो पेंशन स्कीम है क्या इससे लोग संतुष्ट है, क्या पुराना स्कीम ही लाना बेहतर रहेगा या फिर इसमें थोड़ा सा फेरबदल करना होगा? सर जो अभी न्यू पेंशन स्कीम लगभग पूरे भारतवर्ष में इस स्कीम को लागू किया गया है सिवाय पश्चिम बंगाल को छोड़कर, पश्चिम बंगाल में अभी तक भी पुरानी पेंशन योजना ही लागू है। और मुझे लगता है और सभी कर्मचारियों का एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से रिस्टोर किया जाए, क्योंकि नई पेंशन योजना में चाहे वो कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो या एक राजपत्रित अधिकारी हो, उनको पेंशन के नाम पर आपको 700 से लेकर 1500 2000 के बीच में पेंशन प्राप्त हो रही है, जो कि एक कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन यापन के लिए किसी भी रूप में पूरा नहीं होता है, सही नहीं है।
तो मुझे लगता है कि पुरानी पेंशन को प्रदेश सरकार अपने केंद्र सरकार से सामंजस्य रखकर इसको दोबारा लागू करें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि जब एक कर्मचारी को अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी पेंशन मिलती है, तो वही पैसा बाजार में आकर प्रत्येक व्यापारियों के थ्रू होकर या फिर आपके एक दूध वाला से लेकर सब्जी वाला से लेकर पूरे एक बाजार में घूमकर वही पैसा एक पूरे बाजार में सर्कुलेट होता है, जिससे कि सभी की अपनी अपनी आवश्यकताएं और सबकी अपनी वो आर्थिक आर्थिकी सुधरती है। तो मेरा मानना है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम जो है फिर से लागू कर देनी चाहिए। जी बहुत बेहतर। आपके लिए एक हमारे वाईजी ने ने आपके लिए एक सवाल उठाया है। सवाल क्या आपके लिए प्रतिक्रिया किया है कि सूरज भाई, आप एक युवा कर्मचारी नेता हो, अभी आयुष विभाग के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, अभी तक सरकार के साथ जीसीसी नहीं हो रही है, इस पर भी कदम उठाए हैं, तो आप थोड़ा सा बताएंगे। हमारे वाईजी नेगी जी रिटायर सबसे हो पहले चुके हैं। तो मैं श्री वाईजी जी नेगी जी को अपना प्रणाम कहना चाहूँगा, आदर सहित नमस्कार। ये हिमाचल प्रदेश के बहुत ही सुलझे हुए और सम्मानीय कर्मचारियों के नेता रह चुके हैं, और जिला किन्नौर में इन्होंने अराजपत्रित कर्मचारी के अध्यक्ष के रूप में अपनी खूबसूरत सेवाएं प्रदान की है, और कर्मचारियों में इनका काफी मान सम्मान है। तो इनको मैं नमन करते हुए कहना चाहूंगा कि जेसीसी करना नहीं करना एक सरकार का अपना विशेष अधिकार है, परंतु अभी कोरोना काल होने के कारण सरकार अभी पिछले 1 साल से जेसीसी नहीं करवा पाई है, और मुझे आशा है कि आने वाले समय में जब माहौल कुछ ठीक हो जाएगा तो सरकार कर्मचारियों को भी जेसीसी के लिए आमंत्रित कर सकती है। पिछली बार हिमाचल प्रदेश के जो सुरेंद्र ठाकुर के साथ एनआर ठाकुर जो कि हमारे अध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के, उनके साथ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के साथ एक भेंट वार्ता हुई थी, जिसमें जयराम ठाकुर जी ने आश्वासन दिया था कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के साथ बहुत जल्दी जेसीसी करवाई जाएगी, जिसमें हिमाचल के सभी कर्मचारियों के कठिनाइयां उनके डिमांड्स के बारे में चर्चा की जाती है और उनको कठिनाइयों का निराकरण किया जाता है। तो अब देखना ये होगा कि कोरोना काल सामान्य कब होता है और सरकार कर्मचारियों को जेसीसी के लिए कब आमंत्रित करती है। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा समय निकाला। सर जाते जाते आप हमारे जो है आप अपने कर्मचारी महासंघ जो हिमाचल में पूरे, उनके लिए आप क्या कहेंगे आप? मैं हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों को इस मंच में आके एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आज हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी एक विपणन के दौर से गुजर रहा है। कर्मचारियों को एकजुट होकर अपनी डिमांड सरकार से मनवानी चाहिए, कर्मचारियों को एकजुट होना पड़ेगा। अगर कर्मचारी एकजुट नहीं होते हैं तो सरकार जो है अपना तानाशाही वाला रवैया जारी रखेगी, जिससे कर्मचारियों को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बहुत आभार सर। हम अब किन्नौर की राजनीति पर आ जाते हैं। आप पंचायती चुनाव आए, आप किन्नौर में हो सर आजकल की बाहर हो आप? जी सर, मैं कुछ अपने निजी कार्यों से यहाँ अपने गांव कल्पा में आया हूँ, तो मुझे पंचायती चुनाव में भाग लेने का मौका मिला है, तो बहुत अच्छे तरीके से और सौहार्दपूर्ण तरीके से, वैसे भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव होते रहते हैं तो यहाँ भी और बहुत ही अच्छे वातावरण में चुनाव हो रहे हैं, जो जी कि बहुत अच्छा है वो है।
होने चाहिए। सर, इस बार जो है हमारे काफी कुछ युवाएं और महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया है। उनसे आप नए जो पंचायती इसमें जो पंचायत में आएंगे उनसे आपकी क्या उम्मीद रखेंगे सर, आपकी किस प्रकार का उनका जो है विकास के लिए वो पद्धति चुने, आप उनकी ओर से क्या उम्मीद रखेंगे सर अपने नए पंचायत में? जी, इस बार ज़्यादातर देखने में आया कि प्रदेश में हर एक पंचायत में महिलाओं को काफ़ी सीटें दिया गया है, प्रदान की आरक्षण दिया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में, हिमाचल भारतवर्ष की तरह हिमाचल प्रदेश में ये महिलाएं काफ़ी जागरूक हो रही है और महिलाओं को हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़ के भागीदारी हो रही है। वैसे बात सही भी है कि महिलाओं को हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़ के सामने आना चाहिए। महिलाओं के आने से एक बात तो तय है कि जिस प्रकार की महिलाएं अपने सहनशीलता और अपने कठोर परिश्रम के नाम पे जानी जाती है हिमाचल प्रदेश में, तो अपने अनुभव के आधार पर भी वो प्रदेश के हर पंचायत को एक सफल दिशा दे सकती है और अच्छे कार्य करवा सकते हैं। जी सर, आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई थी अक्षय निशा, ये कल्पा में पार्किंग की समस्या है, इसके बारे में बताएं। तो सर, इसके बारे में आप नए पंचायत के जो प्रतिनिधि आएंगे उनके लिए कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे? जी, अक्षय दिशा जी, आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल किया है। कल्पा जो है, इसको एक प्रदेश सरकार ने एक धरोहर गांव के रूप में भी मतलब घोषित किया है, परंतु यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की बहुत ही कमी है। रही खासकर पार्किंग की बात, हालत तो बहुत ही दयनीय है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ने भी इस पर कभी इतना ध्यान दिया नहीं है। और अभी मैं कल का ही देता हूँ, जहाँ इलेक्शन के दौरान पे वहाँ पे जो गाड़ियों का इतना रेला चला था, वहाँ पे लोगों को अपनी गाड़ी पार्किंग करने के लिए बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। वैसे ग्राम पंचायत कल्पा ने अपने कार्यालय के समीप ही पार्किंग के लिए वैसे योजना बना रही है और अपना कार्य चल रहा है। मुझे लग रहा है कि वो योजना भी अभी इतनी काफ़ी नहीं होगी, और मैं स्थानीय पंचायत से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस ओर ध्यान देकर एक अच्छा पार्किंग प्लेस कल्पा में जो है, कल्पा में नहीं और पूरे किन्नौर में ही बनवाने की कृपा करेंगे, ताकि इसमें कर्मचारी हो या आम जनता हो, उनको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी, जिस प्रकार से कल्पा जो है हमारा प्राचीन मुख्यालय भी रहा है, उस प्रकार से कल्पा में जो है जो और जो जो कल्पा टूरिज्म के हिसाब से जहाँ से किन्नर कैलाश के दर्शन होता है और किन्नर कैलाश के छत्र में छाए में रहता है, मैं भी कल्पा बहुत बार जा चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर एक सच में देखा गया है जो चौक है या उसके आसपास का वाला एरिया, कहीं भी पार्किंग की सुविधाएं नहीं है, गाड़ियाँ आती थे कई घंटों तक फंसी रहती है, ये चीज़ बिल्कुल ही जायज है। जबकि कल्पा किन्नौर का पहला मुख्यालय रह चुका है, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन नेताओं ने शायद कहीं थोड़ी बहुत कमी रखी है, और या फिर आबादी के कारण ये थोड़ी दिक्कत आई होगी, लेकिन जिस प्रकार से ये एक ऐतिहासिक धरोहर भी है कल्पा, लेकिन इसके लिए प्रशासन को सोचना चाहिए था और नेता को सोचना जी चाहिए था, लेकिन अगर किसी का ध्यान इस पर कभी गया नहीं है तो आगे के लिए जरूर इस पर ध्यान दे और कल्पा को बेहतरीन, जिस प्रकार से वर्ल्ड लेवल में एक नक्शे में कल्पा का एक चित्र आता है और कल्पा के खूबसूरत जो है जो तस्वीर जो है हर वेबसाइट में छपा रहता है, जब वहाँ आता है तो शायद वो इस इन्हीं चीज़ों को देखकर थोड़ा चंबा रह जाते होंगे, लेकिन हमारे पौराणिक चीज़ों को भी बखूबी से रखना है और साथ में पार्किंग जो एक सुविधा हर किन्नौर में एक पार्किंग की समस्या आ रही है, इसे सबको सोचना पड़ेगा, वो ग्राम पंचायत हो चाहे हमारे प्रतिनिधि चुने हो जो भी है, चाहे हमारे मुख्यालय से संबंधित जिलाधीश भी हो, क्योंकि उनका दौरा तो कल्पा की ओर लगा ही रहता होगा,
तो ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि कल्पा जो है टूरिज्म प्लेस है, इसलिए इसको ज्यादा ध्यान देना होगा, और हमारा प्राचीन मुख्यालय है। तो आपके लिए सर एक छोटी सी प्रतिक्रिया आई है। जी सर, सर कल्पा में आइस स्केटिंग रिंग बना रहे, और आप और 7-8 साल से उसका काम पूरा नहीं हुआ है। स्केटिंग के पार्किंग का निर्माण किया जाए। तो सर इसके लिए तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी क्या कहेंगे, जो आपका आइस स्केटिंग है इसके बारे में पंचायत प्रतिनिधि और प्रशासन का जो भी काम अर्चा है वो जाने। फिर भी आप इसके बारे में थोड़ा सा प्रतिक्रिया देंगे सर, विवेक जितस का है। विवेक जितसी, आपने काफी मतलब सही कहा है, परंतु मुझे लगता है कि इस आइस स्केटिंग बनाने के लिए प्रदेश सरकार का बहुत सारा रुपया वहाँ पे खर्च हुआ है, पैसा उस प्रोजेक्ट में लगा है, जिसको इस तरह से मतलब बदलना उचित नहीं लगता है। इसके जगह कहीं और जगह तलाश करके एक अच्छी पार्किंग के लिए एक जगह तलाशी जा सकती है, और सर इसका जाते सही निर्णय जाते जी तो वहाँ के स्थानीय वासी और जिला प्रशासन ही निर्णय ले सकते हैं। सर जाते जाते, यह 1 घंटे का एपिसोड है, हम अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचे हैं। जाते जाते आप ग्राम पंचायत कल्पा के लिए कुछ स्पेशल कहना चाहेंगे, क्योंकि आप अपने पंचायत के लिए भी कुछ कहकर जाएं जरूर। तो सबसे पहले तो मैं अपने ग्राम पंचायत के सभी नव निर्वाचित प्रधान, उपप्रधान और वार्ड मेंबर्स को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करना चाहूँगा। और इस बार मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे ग्राम पंचायत में सभी जो पदाधिकारी हैं बहुत ही अच्छी मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करके पंचायत में आए हैं, और बहुत ही मेहनती और बहुत ही अच्छे सूझबूझ वाले हैं। तो मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने प्रत्येक वार्ड के मूलभूत जो समस्याएं हैं उसको समझकर अपने पंचायत में रखें, और लोगों ने जो विश्वास उनके ऊपर रखा है उसमें उनको खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए, और प्रदेश सरकार की जो जो भी योजनाएं हैं उसको जनहित में लोगों के समक्ष ला के ग्राम सभा के द्वारा या अपने वार्ड में प्रचार के माध्यम से सबको पहुंचा कर जो है ना एक अच्छा एक ग्राम पंचायत एक बनाने की मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, ताकि एक पूरे किन्नौर में एक संदेश जाए कि जिला किन्नौर का जो मुख्यालय रहा है कल्पा का है, यहाँ पर जो चुने प्रतिनिधि आए हैं उनने में कार्य करने में की जो क्षमता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आए हैं और वो अपने पंचायत क्षेत्र को उन्नति के पथ पर ले जा सकते हैं। जी धन्यवाद सर। जाते जाते आप हमारे एमसीएन पेज और एमसीएन पेज के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे पास वैसे एमसीएन को कहने के लिए शब्द मिलने रहे हैं, परंतु फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि एमसीएम महेश्वर केबल नेटवर्क बाबा नगर ने इस जनजाति जिला किन्नौर में एक सशक्त प्लेटफॉर्म प्रदान करके जिला किन्नौर के प्रत्येक आवाज को एक उचित मंच देकर पूरे देश में, वैसे तो फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने का जो खूबसूरत प्रयास किया है, उसके लिए मैं टीम एमसीएन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी वो अपने ये खूबसूरत प्रयास को इसी तरह जारी रखेंगे और इसमें बहुत सारे अच्छे वक्ताओं को या हर एक प्रकार के लोगों का इसमें जैसे प्लेटफॉर्म प्रदान करके उनसे रूबरू कराएंगे। तो मैं इसके लिए आप लोग को, आप टीम एमसीएन को
बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मुझे अपने मंच पर मौका देकर मुझे जो है आपके लाइव फेसबुक में आने का मौका मिला, वेब पेज में आने का मौका मिला और अपनी आवाज़ को आप सबके सामने रखने का मुझे मौका मिला। चाहे मैं इसमें काफ़ी कहने में बोलने में यार मेरे इसमें कोई त्रुटियां रह गई हो तो मैं सभी लाइव दर्शकों से मैं माफ़ी की अपेक्षा रखता हूं और यही मेरा मेरी कामना है कि MCN जो है दिन रात उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे। धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे किन्नौर वासियों के लिए समय निकाला, हमारे जो कर्मचारी महासंघ जितने भी कर्मचारियां काम कर रहे हैं उनके लिए समय निकाला और पूरे हिमाचल के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे मंच के लिए कीमती समय दिया। फिर कभी ये मंच चलता रहेगा, जब कभी किसी आवश्यक चीज़ों से आपसे रूबरू करना है या किन्नौर के साथ वार्तालाप करना है तो मैं जरूर इस मंच में दोबारा बुलाऊंगा। तब तक के लिए सर नमस्कार, सर जय किन्नौर, जय जी हिमाचल। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े थे आदरणीय सूरज नेगी जी, आयुष के जो महा कर्मचारी के महा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष किन्नौर से और सोलन में कार्यरत है, तो उन्होंने बहुत कीमती समय निकाला और हमारे हमारे लिए जो आयुर्वेद से जुड़ी चीज़ों को बताया और साथ में हमारे साथ जो जो कर्मचारी के जो परेशानियां हैं जो पेंशन के बारे में उसके बारे में बताया और बाकी भौगोलिक चीज़ों में बात हुई, तो उनका हमारे लिए मंच में आना बहुत सौभाग्य की बात रहा। तो कल हम मिलेंगे हमारे यहाँ ग्राम पंचायत सुंगरा से जो चुने प्रतिनिधि है तो और व्यापार मंडल भावानगर कि किस प्रकार से ग्राम पंचायत सुंगरा और व्यापार मंडल भावनगर दोनों मिलकर जो है एक भावनगर को एक सक्षम बनाने की योजना बनाएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए मैं राम अग्रत ने किन्नौर से नमस्कार, जय किन्नौर।